आप लोग क्या उनके सामने आप अपनी बात करेंगे, क्या जवाब देंगे? और यही कहने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं। रोटी हो या बेटी या माटी की सुरक्षा की गारंटी केवल और केवल एक दल है, और वह मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उसकी गारंटी दे सकती है। केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में नौजवानों के लिए नौकरी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी मिशन रोजगार के नाम पर हर महीने लाखों नौजवानों को नौकरी दे रहे हैं। हर नौजवान को देहात को कार्य मिले, हर अन्नदाता किसान को सम्मान मिले। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 12 करोड़ किसानों को प्राप्त हो रहा है। हर गरीब को अपना घर मिले, 4 करोड़ गरीबों को अब तक प्रधानमंत्री आवास मिल चुका है। 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए और 10 करोड़ गरीबों तक उज्ज्वला योजना का एक एक कनेक्शन उपलब्ध हो चुका है। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ लोग पहले से ही 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य की सुविधा निःशुल्क प्राप्त कर रहे हैं। और अब तो मोदी जी ने एक और कार्य कर दिया है कि 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को वह किसी जाति किसी मत और किसी मजहब का क्यों ना हो, उसे किसी भी आय वर्ग का क्यों ना हो, उसे 5 लाख रुपए हर वर्ष 5 लाख रुपए स्वास्थ्य के लिए उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, ये जो काम गरीबों के लिए हो रहे हैं, नौजवानों के लिए हो रहे हैं, किसानों के लिए हो रहे हैं, महिलाओं के लिए हो रहे हैं, ये काम कांग्रेस आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी तो कर सकती थी, लेकिन इनके पास इसके लिए कहां फुर्सत है? आज विकास के जो कार्य हो रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, आईआईटी बन रही है, आईआईएम बन रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हाईवे रेलवे वंदे भारत अमृत भारत नमो भारत के नाम पर नई नई ट्रेन की सुविधा, रेलवे की नई अत्याधुनिक सुविधा, हर व्यक्ति को हाईवे वर्ल्ड क्लास के 2 लेन 4 लेन 6 लेन 12 लेन के हाईवे बन रहे हैं। ये काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने काम नहीं किए। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, काशी में काशी विश्वनाथ धाम, और 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के साथ साथ रामलला का विराजमान होना। कांग्रेस आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकारी भी केंद्र में थी, वे भी कर सकती थी, लेकिन हिंदू आस्था का कहां ये सम्मान देने वाले हैं? ये लोग कहां सम्मान देने वाले हैं? इन्होंने तो भगवान बिरसा मुंडा को भी सम्मान नहीं दिया। 15 नवंबर की तिथि भगवान बिरसा मुंडा की जनजाति दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर मनाया जाए, यह कार्य मोदी जी ने किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ बने, यह काम मोदी जी ने किया। कांग्रेस ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमानित किया था। और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जब ये राम मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते, भगवान बिरसा मुंडा को सम्मान नहीं दे सकते, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान नहीं दे सकते, बेटी की सुरक्षा नहीं कर सकते, बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोहिंग्या मुसलमानों को किकआउट करके देश से बाहर नहीं कर सकते, देश को सुरक्षा नहीं दे सकते, गरीबों का कल्याण नहीं कर सकते, तो फिर इनको चुनना ही क्यों है? इनको एक सिरे से खारिज करने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, देखो राम मंदिर का निर्माण तब हुआ
जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, दोनों सरकारें डबल इंजन की सरकार थी, 500 वर्षों की समस्या का समाधान 2 वर्ष में कर दिया। यानी 500 वर्षों में जो काम नहीं हुआ वह मात्र 2 वर्ष में। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। लोग कहते थे राम मंदिर का निर्माण होगा, खून बहेगा। अबे हमने कहा मच्छर भी नहीं मरेगा, चिंता क्यों करो। उत्तर प्रदेश में तो ये जितने दुर्दांत माफिया थे, जो आज झारखंड में जो माफिया हावी है ना, कोई खनन माफिया है, कोई भू माफिया है, कोई पशु तस्कर पशु माफिया है, कोई वन माफिया है, ये जितने माफिया यहां पे आज थोड़ा बहुत सिर उठा रहे हैं। यूपी में भी 17 के पहले, हमारी सरकार आने के पहले ऐसे ही सिर उठाते थे, और आज उन सभी माफिया को जहन्नुम की यात्रा में भेज दिया गया है। अब उनको जन्नत भी नहीं मिलने वाली है। राम नाम सत्य है हो गया है, और इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, यूपी में तो एक ही नारा है, बेटी की सुरक्षा पे अगर किसी ने सेल लगाई तो फिर मान के चलो कि अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा है। टिकट कटना उसका यमराज के यहां के लिए तय है। ये लव जिहाद के नाम पर बांग्लादेशी घुसपैठी यहां आकर के जिस प्रकार का कोहराम मचा रहे हैं, झारखंड के अंदर माननीय उच्च न्यायालय को भी चिंता व्यक्त करनी पड़ी। धर्मांतरण की गतिविधियां जिस तेजी के साथ आगे बढ़ी है, इसी के लिए आपसे कहने के लिए मैं आया हूं, क्योंकि झारखंड उत्तर प्रदेश की तरह अनलिमिटेड पोटेंशियल का राज्य है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य है। बाबा धाम के रूप में देश और दुनिया यहां पर कावड़ यात्रा लेकर के आती है। हर हर बम बम का उद्घोष करते हुए बाबा को जलाभिषेक करती है। अगर एक कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी का चले तो ये कावड़ यात्रा को भी रोक डालेंगे। और इसलिए बहनों और भाइयों, यूपी के अंदर पहले कावड़ यात्रा नहीं होने देते थे, हमने कहा नहीं कावड़ यात्रा को कोई रोकेगा नहीं। अकेले गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच में 4 करोड़ कावड़ यात्री जाते हैं। पहले सरकारें नहीं होने देती थी, वो कहती थी कि दंगा हो जाएगा। हमने कहा भी एक ही बार तो होगा, बार बार थोड़ा होगा। अगर कोई दंगा करने पे तारू हो तो एक बार आर पार कर ही देना चाहिए, लेकिन कावड़ यात्रा नहीं रुकेगी। फिर कहा गया कि ये लोग संघ नहीं बजाएंगे। मैंने कहा संघ भी बजाएंगे, घंटे भी बजाएंगे और डीजे को भी बजाने की अनुमति देंगे, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करेंगे। और आज आप देखते होंगे तिनका नहीं हिलता है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा चलती है। बहनों और भाइयों, सुरक्षा लाने के लिए जज्बा चाहिए, जज्बा। माफिया से निपटने के लिए ईमानदारी का जज्बा चाहिए। और वही कहने के लिए मैं आया हूं बहनों और भाइयों, बटे थे तो अपमान अयोध्या में झेलना पड़ा था, बटे थे तो अपमान काशी में झेलना पड़ा था, बटे थे तो मथुरा में अपमान झेलना पड़ा था, बटे थे तो बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ के रूप में अपमान झेलना पड़ा था, और बटे थे तो कटे थे।
और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। बटे थे तो बटे थे, अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और सेफ रहने के लिए ही आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि बहनों और भाइयों, समय आ गया है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना है, सबसे बड़ी ताकत के रूप में भारत को स्थापित करना है। लेकिन उसके लिए एक भारत चाहिए, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। भारत श्रेष्ठ तब बनेगा जब एक रहेगा, भारत सुरक्षित तब बनेगा जब एक रहेगा, भारत विकसित भारत तब बनेगा जब एक रहेगा। ये जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वाले लोग ये देश के दुश्मन हैं, भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों की चाकरी करके चाटुकारिता करते थे, जो भारत के अस्मिता और अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करते थे। हमें बटना नहीं है, और बटेंगे नहीं तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि काट सके। और इसलिए बहनों और भाइयों, आपका आपसे मैं अपील करूंगा, जो उत्साह आपने दिखाया है, इस उत्साह को एकजुट होकर के, एकजुट होकर के कमल निशान पे डालिए। मां लक्ष्मी इसी कमल के फूल पर बैठ करके आकर के झारखंड के समृद्धि का कारण बनेगी, इसी से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश को आप देखते होंगे, 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश अब कहां का कहां पहुंच गया है, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे, रैपिड रेल, मेट्रो, ये सभी सुविधाएं वहां पर है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम है, अयोध्या में अयोध्या धाम है, मथुरा में मथुरा, वृंदावन, बरसाना, जितने भी धाम है सबका विकास हो चुका है। और इसीलिए आपसे कहने के लिए आयो बहनों भाइयों, ये विकास, ये सुरक्षा, ये समृद्धि, ये लोक कल्याण, ये गरीब कल्याण के कार्य, ये तब संभव है जब एकजुट होकर के सभी लोग मिलकर के देश के बारे में सोचते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस पाकी विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। कुशवाहा जी करिए, ये आपके विधायक हैं और इनको विजयी बना के भेजना है, बना के भेजेंगे, चुनाव जिता के भेजेंगे। इधर के लोग क्यों शांत बैठे हैं, पीछे पीछे भी पीछे भी, ये पहाड़ी के ऊपर जितने लोग खड़े हैं सभी लोग मुझे बताओ, कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी को चुनाव जिता के भेजेंगे ना? सभी लोग हाथ लगा के मुझे बताओ, सभी लोग सहमत हैं? हमें तमाशबीन नहीं बनना है, हमें निर्णायक भूमिका में खड़ा होना है। निर्णायक भूमिका के लिए यही कि कमल चुनाव चिन्ह को चुनाव जिता करके भेजना है। भेजेंगे भेजेंगे तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर। अब इस कार्यक्रम के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का झारखंड में धुआंधार प्रचार चल रहा है, यहां उन्होंने मंच से संबोधित किया और विपक्ष को जमकर निशाने पर लिया। महिला सुरक्षा, सनातन और राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर घेरा।